الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ. ایک دن وہ تھا یعنی 13 اپریل بروز سوموار کہ ہم نے آداب زندگی 10 روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز کیا. اللہ کے فضل و کرم سے آج اس ورکشاپ کے 8ویں دن میں ہم پہنچ گئے. آج 8واں دن ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. آج کا موضوع انتہائی اہم ہے. میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ جو مسلمان بھائی اور بہن یہ پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ گھروں کے اندر جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھاؤ, کیونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ اولاد کی پرورش و تربیت کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں. اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی انتہائی مناسب بات ہوگی کہ آج کا موضوع موجودہ دور کے مناسبت سے انتہائی اہم ہے. یعنی اولاد کی تربیت اور پرورش. اگر میں یہ بات کہوں آپ برا نہ مانیں کہ میجارٹی اکثریت والدین اپنے اولاد کی تربیت سے غافل ہیں. ایک تو مجموعی غفلت ہے جو ہم اس بیماری میں ہیں, اور غفلت بھی ایسی غفلت جس کے متعلق شاعر فرماتے ہیں, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے تیری عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو ٹک ٹک کی آواز آپ گھڑی کے سنتے ہیں یہ وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے, اور آپ لوگ اور ہم سب وقت کی قدر نہیں کرتے, غافل ہیں. تو اکثریت لوگ معاشرے کے اندر اولاد سے غافل ہیں, اور اسی غفلت کی بنیاد پر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اکثر والدین اپنے بچوں سے نالا ہوتے ہیں, بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ والد بن جاتا ہے, اور کچھ ناگفتگو حالات سامنے آ جاتی ہے. لہذا
इसी उन्वान से आज का मौजू है। वालिदैन के लिए औलाद जो है मेरे दोस्तों और भाइयों, ये एक अनमोल तुहफे कुदरत है। इसमें बंदा ये नहीं कह सकता, इन्हें किसी इंसान के खुद कमालात नहीं, ये बल्कि ये अल्लाह का फजल है। बाज़ औक़ात औलाद की ख्वाहिश में इंसान जिंदगी भर दुआ करता है, मगर उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह की मशीयत से पूरी नहीं होती। तो कभी इस नेमत के और इस रहमत के हुसूल में तवील सबर अजमा इंतजार, और इंतजार की जो सोबतें हैं वो भी उसको उठानी पड़ती हैं। लेकिन अगर कुरान का हम मुतालिया करें तो कुरान से ये बात साबित है। जरा आप वो मुलाहिजा फरमाएं, 25वें पारे में इरशाद है, पारा नंबर 25। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। बात जाहिर हो जाएगी, औलाद किसी को अल्लाह देता है किसी को नहीं देता, इस आयत में तफसील है। क्योंकि सबसे पहले तो हम औलाद की नेमत के हवाले से बात रखते हैं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनाथा व यहबु लिमन यशा अज़्ज़ुकूर أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما। خاص اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اب جسے چاہتا ہے بچی دیتا ہے، لڑکی کی شکل میں اولاد، مؤنث کی شکل میں، और जिसे चाहता है मुजक्कर की शक्ल में यानी बच्चा देता है, नरीना औलाद। और या फिर ऐसा भी हो जाता है कि जोड़ी मुजक्कर और मुअन्नस, बच्चा और बच्ची दोनों। लेकिन ऐसा भी होता है कि वह यजअलु मा मन यशाउ अकीमा, और बाज़ औरतों को अल्लाह पाक बांझ, कोई औलाद उसकी नहीं होती 15, 20, 25, 30, 35 साल, बल्कि बाज जोड़े तो ऐसे होते हैं कि बे औलाद ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कोई औलाद नहीं होता और इसी हसरत से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब मेरे दोस्तों और भाइयों, आप जरा तवज्जो करें कि रब्बे करीम के फजलो करम से जब ये नेमत और रहमत, ये नेमत और रहमत की बात और ये लफ्ज में बार बार इस्तेमाल करता हूं, जहन में ये बात हो, नेमत से मुराद बच्चा है, रहमत से मुराद बच्ची है। अगरचे मुआशरे में एक बीमारी ये भी है कि बच्ची को बर्दाश्त नहीं करते, आप बुरा न माने, मुआशरे के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, बल्कि उसको मनहूस कहते हैं, उस जनानी को जिसकी बच्चियां पैदा होती हैं। कुरान मजीद में एक जगह इरशाद है, व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वज्हुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौम मिन सुमा बुशिरा बिही अयुमसिकु अला हूनिन अम यदस्सु फित तुराब अला सा मा यहकुमून। जब खुशखबरी हो जब मिल जाती उनको कि आपकी बच्ची पैदा हुई है, तो वो क्या करते थे जी, तो उसका रंग जो है ना वो काला हो जाता, पीला हो जाता, बदरंग शक्ल इख्तियार कर लेते, कौम से छुपते, वो बहुत बड़ा जुर्म हुआ है उससे। अफसोस, बच्ची अल्लाह की रहमत, बच्चा अल्लाह की नेमत। तो हमारे मुआशरे में मजमूई तौर पर औलाद की पैदाइश पर मुसर्रत का इजहार, मुबारकबाद उसूल करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मगर अमूमी तौर पर
ये रवैया, ये जो खुशी का रवैया है, ये जो खुश होते हैं हम कुछ अरसा बाद औलाद के लिए ये रवैया तब्दील हो जाता है, या फिर लाड प्यार इंतहाओं को छूने लगता है, इंतहा को पहुंच जाती, ये भी सही नहीं है। या याद रखो, औलाद से बेरगबती और गैर जरूरी लाड़ और प्यार जो है ये भी खतरनाक है। लाड़ और प्यार अपनी जगह पर इतनी ज्यादा भी नहीं कि उससे नुकसान हो जाए। उलमा ने लिखा है कुरान और हदीस की रोशनी में, ये बात मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन सीरत निगारों ने ये सब कुछ लिखा है कि ये फिर बाद में नुकसान का बायस बन जाता है। बाज़ वालिदैन तो औलाद की खुशी में हद क्रॉस करते हैं, हदूद शरई जो है उसको पामाल करते हैं और उसके पामाल होने का एहसास भी नहीं रखते। और ये सिर्फ इस तरह नहीं, बल्कि सालाना फिर बर्थडे, ये एक और ड्रामा है। बर्थडे का क्या मतलब है? ये बर्थडे फिर हम मनाते हैं, ये ठीक नहीं है। मुआशरे के अंदर ठीक है, रस्म और रिवाज तो है, पर इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। इस पर तो रोना चाहिए, इस पर तो सोचना चाहिए। एक साल गुजर गया, छोटे तो छोटे हैं, बड़े भी इसका एहतमाम करते हैं। गो अगर आप 50 साल के हो गए तो आप 49-50 साल से पहले आप साबिका जिंदगी पर सोचें, मैंने ये जिंदगी कहाँ गुजारी है। बार के बीच में ये बात आ गई, बच्चों की दीनी तरबियत और वालिदैन की शरई जिम्मेदारी, इस पर सोचना है। तो इस पर अगर हम सोचें तो बहैसियत मुसलमान हमारे दीन ने जो जो उसूल बयान किए हैं उसकी तफसील जरा आप सुन लें। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये हम सब जानते हैं कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतहाई कीमती इनाम है, तोहफा भी है, इनाम भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम यानी कुरान मजीद में इन्हें जीनत दुनियावी जिंदगी में रौनक बयान किया है। मसलन अल माल वल बनून जीनतुल हयातुद दुनिया, ये माल और औलाद जो है ये दुनिया की जेबो जीनत है। अरब माशरे के अंदर ये रस्म और ये रिवाज था, बहुत सारे औलाद, बाप आगे बच्चे उसके पीछे, फखरिया तौर पर इस तरह गुजरते थे, जाते थे रास्ते पर, फख्र करते थे। तो कुरान से ये बात साबित है, दुनिया की जीनत है। लेकिन एक और जगह इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और औलाद जो है ये एक फितना भी है, एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। अब ये तब मुमकिन है कि जब इस नेमत की कदर, नेमत तो है, जब इस नेमत की कदर की जाए और आप अपनी औलाद को दीन व अखलाक और तालीम की जेवर से उन्हें आरास्ता करें और बचपन ही से सही नशो नमा व दीनी तरबियत व तालीम पर तवज्जो। एक बात आप नोट कर लें, बहुत ही अहम बात, वालिदैन पर औलाद की सबसे मुकद्दम अहम क्या है? दीनी तरबियत व तालीम है। इसका यह मतलब नहीं है कि इस्लाम असरी तालीम, ये मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, बीएस, एमफिल, पीएचडी, इस पर इस्लाम इसके मुखालिफ नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम की बुनियादी बातों का जानना भी जरूरी है, क्योंकि उखरवी फलाह और कामयाबी का दार और मदार इसी पर है। बीच में एक दिलचस्प बात याद आ गई, मैं एक जगह पर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो वहां फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा आते,
तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो को आप जानते हैं, इस तरह वो गुर गुर के देख रहे थे। लेकिन जब मैंने किसी कोई फनकार या क्रिकेटर का नाम लिया तो उसको वो जानते थे। दिलचस्प बात है। खुलफाए राशिदीन आप जानते हैं? नहीं। तो इस्लाम के अरकान जानते हैं? नहीं। तो अइम्मे अरबा जानते हैं? नहीं। तो सहाबी जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं। तो ताबई जानते हैं? नहीं। तो तबे ताबई जानते हैं? नहीं। तो अइम्मे मुज्तहिदीन जानते हैं? नहीं। तो कुरान के अंदर कुल सूरतें कितनी हैं जानते हो? नहीं। तो नमाज जानते हो? नहीं। तो नमाज का मान आता है? नहीं। तो इसलिए तो बाद साथियों ने मशवरा भी दिया है कि नमाज का मुकम्मल उर्दू में लफ्जन लफ्जन तर्जुमा हो जाए। एक ऑनलाइन ये प्रोग्राम भी आप कुछ दिनों के लिए चलाएं, इंशाल्लाह देखेंगे अगला प्रोग्राम। तो बाहर के उखरवी जिंदगी का दारोमदार है दीन सीखने पर। हम दीनी तालीम नहीं देते। मैं तो बाज जगहों का इजहार करूंगा, हमारे केपीके के अंदर भी बाज ऐसे इलाके हैं, पेशावर से आप जरा आगे चले जाएं, वहां ये एक कंसेप्ट है और मैं इस पर फख्र करता हूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे इलाके भी हैं वहां इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर तर्जुमे का कंसेप्ट है। नौजवान बच्चे जो है ना, ये फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया पर आप देखते हैं। उस दिन एक हमारे दोस्त ने अपने बच्चों की तस्वीर के साथ ऊपर लिखा था कि मेरे इस बच्चों ने कुरान मजीद का तर्जुमा पूरा किया, वो इसको भी वो जरूरी समझते हैं। तो ये भी एक जरूरी काम है। अब इरशाद है कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा वल मलाइकतु ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। मेरे दोस्तों, अगर इस आयत पर हम गौर करें, इस आयत को जब मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनाता हूं, तदब्बुर करता हूं, तफासीर का मुतालिया करता हूं, मुख्तलिफ तफासीर का, तो आप यकीन जानिए मैं बिल्कुल गहराई में चला जाता हूं कि कुरान किस अजूब और किस लतीफ अंदाज में हमें पुकारते हैं। और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अर रईयती, खबरदार हर एक तुम में से जिम्मेदार है और इससे अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हुक्मरान रियाया, वालिद औलाद, उस्ताद शागिर्द, बड़ा छोटे का, ये जिम्मेदारी अगर निभानी शुरू हो गई तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन और एक मॉडल मुआशरा बन सकता है। तो कुरान क्या फरमाते हैं, ए ईमानदारो, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और पूरे अहलो अयाल को अल्लाह की आंख से बचाओ। अब जरा तवज्जो कर लें, आंख से बचाओ। अब आग की मजीद डिफिनिशन, आग कौन सा आग, किस आग की बात हो रही है यहां पर, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन खसो खाशाक इंसान और पत्थर। मेरे दोस्तों और भाइयों, इससे आगे अल्फाज इससे भी अजूब है, सख्त है, उस पर भी आप सोचिए। वल मलाइकतु ग़िलाज़ुन शिदादुन, सख्त तुंदखू, वहां जो फरिश्ते हैं, वो जो हम किसी को मारते हैं और फिर दिल में नरमी आ जाती है, वो नरमी वाला प्रोग्राम नहीं है वहां पर। और ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह के हुक्म, वो जो उनको हुक्म दिया जाता है उसमें से नाफरमानी भी नहीं करते।
और वो करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। अब खुद बचने की तो हम कोशिश करते हैं, जहन्नम से बचने की। सिर्फ इस पर आप इक्तफा न करें कि अपने आप को जहन्नम से बचाएं, बल्कि साथ साथ औलाद को भी, अपने अहलो आयाल को भी उससे बचाएं। और ये कब मुमकिन है कि हम औलाद को तौहीद सिखाएं? ऐसे आपसे मैं पूछता हूं, अपने आप से भी पूछता हूं, क्या हम लोगों ने कभी घरों के अंदर तौहीद की बात की है, अल्लाह की वहदानियत की बात की है? क्या हमने खुद तौहीद के हवाले से तौहीद और शिर्क की अहमियत, इसके हवाले से एक मुदल्लल किताब है उस्ताज मोहतरम, उस्ताज कुल शेख उल कुरान वल हदीस, हजरत मौलाना शेख गौहर रहमान से मरहूम रहमहुल्ला, इस किताब का जरा आप मुताला कर लें ताकि आपको तौहीद और शिर्क का पता चले। कुरान और हदीस से आप मुताला कर लें, तौहीद है किस चीज का नाम, तो आप इसका मुताला कर लें। ये तब मुमकिन है हम तौहीद सिखाएं। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बच्चों को ये आयतें भी आप याद कराएं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल ग़ैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुभानल्लाहि अम्मा यशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना यसब्बहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह इखलास सिखाएं, इसमें खालिस तौहीद का जिक्र है। इसी तरह रिसालत, रिसालत के हवाले से एक दो बातें जरूरी समझता हूं, वो भी आप जरा नोट कर लें और तवज्जो भी दे दें आप। अगर बच्चे बैठे हुए हैं मेरे इस बयान को वो सुनते हैं तो डायरेक्टली भी सुन लें, ख्वातीन भी ये बात जरा नोट कर लें। रिसालत, इस पर हमने कभी सोचा है? रिसालत जितने भी अंबिया कराम दुनिया में आए हैं सब पर हक है। एक हदीस के मुताबिक 1,24,000 कम उबेश दुनिया में अंबिया हो गुजरे हैं। कुछ रसूल हैं, कुछ नबी हैं। रसूल खास हैं, नबी आम हैं। उलमा कहते हैं कि रसूल 313 हैं, जिसे नई शरीयत और नई किताब दी गई हो उसको रसूल कहते हैं। बाकी हर पैगंबर को आप नबी कह सकते हैं। ये अकीदा हो, ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है और साथ साथ ये भी अकीदा हो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खातमुल अंबिया है, तो खत्म नबूवत का अकीदा होना चाहिए। ये बच्चों को सिखाए ना, ये तरबियत में आप रखें ये बात। आप रोज खत्म नबूवत की बात करें। नबूवत, खत्म नबूवत किसके कहते हैं? आप इस तरह समझाएं, बेटा खत्म कहते हैं मोहर को, नबूवत कहते हैं नबूवत, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहर है, इसके बाद कोई पैगंबर, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आप ये आयत सिखाएं, मा कान मुहम्मद अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातम النبيين। अब कादियानी के हवाले से, मिर्जाइयों के हवाले से, अभी हमारे एक मोहतरम जो सदर हैं मरकजी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत KPK, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज मरवत साहब, 6 रोजा उनके आप ID खोल दें मुफ्ती इम्तियाज साहब की, उसमें खत्म नबूवत की आप तफसीलात जरा आप देख लें। वो सुनने की बातें हैं, वो जरा आप सुन लें और गौर और फिक्र से आप सुन लें, तो रिसालत आप समझाएं। आखिरत की बात करें, बेटा ये जो आप बार बार ख्वाहिशात के आप जो मुतालबा करते हैं, बेटा इस दुनिया से हमने जाना भी है, आखिरत भी है, और ये उनको समझाएं कि आखिरत को आखिरत किस लिए कहते हैं कि आखिर में है, दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि ये दुनून है, करीब को कहते हैं ये नजदीक है, ये खत्म होने वाला।
نماز کی بات کریں، روزہ کی بات، روزمرہ زندگی میں جو احکام شریعت ہیں اس سے باخبری اور عمل پیری ہو، یہ بات ضروری ہے۔ اور یہ سب کچھ کب ممکن ہے؟ یہ بچپن میں ممکن ہے۔ یاد رکھو، بچپن میں بچوں کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، میموری بالکل خالی۔ اس دور میں تو آپ کے لیے تو بہت آسانی ہے، اب میموری کی جب میں بات کرتا ہوں تو فوراً آپ کے ذہن اس طرف جاتا ہے نا، میموری، میموری کارڈ۔ یہ میموری کارڈ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ایک چیز ہے اتنی سی، اس میں میموری ہوتی ہے، اور یہ 32 GB اور 64 GB اور فلاں جی بی جو ہم کہتے ہیں، کیپیسٹی ہے اس کے اندر، بہت سی چیزیں آپ اس کو کھپا سکتے ہیں، اس میں رکھ سکتے ہیں اس میں، اور پھر ایک اور یوز بھی اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں۔ یہ موبائل جو ہے، یہ بڑا موبائل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر 128 تک، اس سے بھی زیادہ اس میں اپنی جی بی ہوتی ہے، اپنا اس کا کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ کیپیسٹی جو ہے اس بچے کی، یہ بالکل خالی ہے، یہاں خالی اس ذہن ہے، اس کو آپ بھر لیں، ذہن سازی کر لیں، آپ کو موقع ہے آپ کو۔ اور ایک مزے کی بات، اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ارشاد ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جہاں بھی پیدا ہو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کی طرف، جس گھر میں بھی ہو، بنیادی طور پر بیسیکلی وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں تفصیل ہے، پھر والدین اس کے لگ جاتے ہیں، کسی سے یہودی اور کس سے نصرانی اور کس سے مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہر بچہ، ہر بچے میں طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، برائیوں سے دوری اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے، اب اس گھر میں اس اچھی تربیت اور معاشرے میں اس سے اچھے افراد اگر مل جائے، ساتھی مل جائیں، دوست، تو ایمان و اخلاق اور ایک بہترین انسان وہ بن سکتا ہے، اور بن بھی جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، ناراضگی معاف، کہ آپ معاشرے کے اندر اپنی دوستی کے لیے بہترین دوست کا آپ انتخاب کریں۔ کیوں؟ المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جو اس کے ساتھ اس سے دنیا میں محبت ہوگی۔ اب ایک چرسی ہے، اب ایک نشئی بندہ ہے، اب ایک ڈاکو ہے، اب ایک ایسا بے حیا ہے، اب ایک ایسا ہے کتے پالنے والا ہے، کوئی اور ڈرامہ کرتا ہے اور آپ کا وہ دوست ہے، تو یقیناً حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا آپ کا۔ آپ اس سے پرہیز کریں، بہترین انتخاب کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھا کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ پشتوں میں ایک شعر ہے، مجلس تالمانو بس رزر سے کوے لوٹے او کانے دس سہرا، رحمان بابا فرماتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ، لیکن نیک لوگوں کی صحبت، تو اس سے آپ کیا بن جائے گا۔ اور ایک بزرگ اور ایک نیک شخصیت ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے اور پیار بھی کرتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، اللہ ان کو زندہ رکھے، ایک نیک بندہ ہے، میں خود بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو وہ اس نے جو لکھا ہے کتاب کے اوپر ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ بے ادبی اور با ادبی آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں آپ سیکھیں گے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے والدین کو یہ وصیت کی کہ وہ بچوں کو قرآن اور حدیث اور نیک لوگوں کے واقعات اور ضروری دین احکام کی تعلیم دے۔ بچہ والد کے پاس امانت ہے، اور وہ اس امانت کی صحیح پاسداری کرے۔ اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے نفرت پیدا کرے۔ اب ایک دو تین مثالیں ہیں،
حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں وہ جلدی سے آپ کو سناتا ہوں، پھر مختصراً ادب کے حوالے سے دو تین باتیں، تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، توجہ فرمائیں، ایک روز کہتا ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، آپ نے مجھے فرمایا اے بچے اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تو بہت متوجہ ہوئے۔ نمبر ایک، حقوق اللہ کا خیال رکھو تو اللہ کو آپ اپنے سامنے پاؤ گے، حقوق اللہ کا خیال رکھو۔ دوسری بات، جب مانگو مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ جو تبلیغی حضرات بعض الفاظ کہتے ہیں اللہ ان کا بھلا کر دے، اللہ سے مانگو، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک فلسفہ ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سادہ لوگ ہیں، تفصیل میں تو وہ نہیں جانا چاہتے، اور اوپر سے بھی ہدایات ہے کہ آپ تفصیلات میں نہ جائیں، لیکن بات بہت پیاری ہے، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگو اور مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو، اگر تمام مخلوق بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں صرف وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کچھ تھوڑا بہت بھی زیادہ نہیں ہو سکتا اس میں۔ اب دوسری روایت کو بھی ذرا آپ سن لیں، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کہتا ہے میں جب چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول یعنی کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائے اے لڑکے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیٹا، نہیں، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ بیچ میں ایک دلچسپ سی بات ہے، مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں اس کی، علماء بہت، سب علماء اس کو جانتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہمارا خود بھی ان کے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے، اللہ اور کو جنت الفردوس عطا فرمائے تمام علماء کے ساتھ۔ تو ایک دن ایک دسترخوان پر اس کے اپنے مرید بیٹھے تھے، تو اس نے اس طرح دسترخوان میں ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے، تو مولانا شرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی تبرک لے رہا ہوں، وہاں حلوہ پڑا تھا۔ تو مولانا شرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں، تبرک تو اس دال میں بھی ہے جو آپ کے سامنے آپ ہاتھ ادھر لمبا کرتے اور وہاں سے آپ حلوہ اٹھاتے۔ تو بیچ میں یہ گپ شپ کی ایک بات تھی آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے۔ دوسری روایت، تیسری روایت، عبداللہ بن عامر، ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے پکارا آؤ ایک چیز دوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی؟ والدہ نے عرض کیا کچھ کھجور دینا چاہتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے ارشاد فرمایا سنو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے حق یعنی تمہارے نام عمل نامہ میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے پہلے مسلم کی ایک روایت تھی۔ ان تینوں روایات کو جمع کر کے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے نبی، اللہ کے نبی جو ہے بچوں کی ذہن میں کس طرح دینی حقائق نقش فرمایا کرتے تھے، کس طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ تو اولاد کی تربیت میں کامیاب ترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ میانہ روی اختیار کریں، افراد تفرید اس کے درمیان، نہ تو بہت شدت اور نہ بہت ہی سستی اور بے پرواہی۔ تعلیم، اخلاق، سب پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اب کچھ ضروری باتیں ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ نمبر ایک، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے وہ دو رکعت شکرانہ نماز بھی پڑھ لے، اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے
कि मुझे बेटा अता किया आपने, कुछ सदका करे। बच्चे के जो कान है दायां, उसमें आजान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बायां कान उसमें इकामत। बच्चे को गुसल देने के बाद जल्दी ये काम कर लें। इसके बाद उलमा फरमाते हैं कि खजूर जो है वो अपने मुंह में, बल्कि बेहतर ये है कि किसी बुजुर्ग नेक बंदे के मुंह में वो उसको, और इसके बाद आप उस बच्चे की तालों में उसमें आप डालें। इससे बरकत होगी, बरकत मिलेगी आपके इस बच्चे को। मुत्तकी और बुजुर्ग बंदे से ये कराएं। सातवां दिन जब बुरा हो जाए, इसके जो बाल हैं उसको आप साफ कर लें। अब एक तरीका उलमा ने ये लिखा है कि बालों को आप उठा ले, वजन करें, उसके बराबर चांदी की कीमत फुकरा में सदका करें, ये मुस्तहब है। सातवां दिन जब पूरा हो जाए उसका आप नाम रखें, ये भी मसनून है। लेकिन नाम ऐसा नहीं कि बस नाम रख दिया पता नहीं लगता, भाई जी नाम रख दिया हमने, इसका क्या माना, जी मुझे तो माना का पता नहीं है। मरा अल्लाह का खौफ करो, पहले नाम का माना पूछो कि इसका माना किया है, मतलब किया है। ऐसा नाम न रखो इसमें गम दुख परेशानी नहुसत जंग वगैरह ऐसी कोई चीज मालूम हो। हदीस में आता है कि बेहतरीन नाम जो है वो कौन से हैं, अब्दुल्लाह। वो कौन से हैं, अब्दुर्रहमान। ये मिश्कात की हदीस है। लेकिन आप इसका ख्याल रखें, अगर इस नाम को बिगाड़ का खतरा है उस माशरे के अंदर, तो प्लीज आप ये नाम न रखें। अगर खतरा है अब्दुली अब्दुली मब्दुली या इस तरह किसी के किस्म के अल्फाज, अगर हम अब्दुल्लाह नाम है और इसको आप बिगाड़ते हैं, अगर बिगाड़ का खतरा है तो ये नाम न रखें। बाज ऐसे नाम है जो खालिस अल्लाह के साथ खालिस हैं, तो इसके साथ पहला लफ्ज लगाएं। मसलन कय्यूम, अल्लाह कय्यूम जात है, तो आप इस तरह रखें अब्दुल कय्यूम। मसलन रजाक, आप तो रजाक नहीं हो सकते है ना, तो इस खदशात को दूर करने के लिए आप क्या करें, अब्दुल रजाक। एक और लतीफा है, मेरा एक शागिर्द था स्कूल में, मैंने उसे पूछा बेटा आपका क्या नाम है, मुझे क्या पता था कि वो अपने नाम किस तरह बताएंगे। उसने कहा अब्दुर्रज़ाक। मैंने कहा बेटा मेरा नाम भी इसी तरह है, लेकिन इतना तकलीफ में नहीं हूँ जितने तकलीफ में आप हैं बेटा, नाराजगी माफ। तो अब्दुर्रज़ाक आप रखें, अब्दुल कय्यूम रखें। एक दो बातें और, औलाद जो है उसका अकीका, सातवें दिन अकीका, ये मसनून तरीका है। बच्चे की तरफ से दो, बच्ची की तरफ से एक, ये भी मिश्कात की हदीस है। मुस्तहब ये है, सवाब ज्यादा इसमें है कि सातवें दिन आप इसका एहतमाम करें। नहीं तो अब सातवें दिन का एहतमाम का तरीका भी बताया गया है, मसलन एक बच्चा जुमेरात को पैदा हुआ तो बुध के दिन अकीका करें, सातवें दिन नहीं चौदहवें दिन नहीं 21 दिन। अगर इससे भी ताखीर हो जाए, बच्चा बालिग हो जाए, फिर भी उसके जिम्मे अकीका है, वह अकीका करेंगे। ये अहसनुल फतावा जरा आप उठा लें, उसमें साफ ये बात लिखी है। वो जानवर जायज है अकीका में, उलमा ने साफ लिखा है, फुकहा ने मुहद्दिसीन मुफस्सरीन, इसकी कुर्बानी सही है। मसलन बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, बेड़ है, ये जिस तरह हम उसके लिए करते हैं इस अंदाज में कुर्बानी, इसका अकीका सही है। इसके बाद औलाद का खतना, ये भी जरूरी है, ये दीनी शियार है, अलामत है, और खतना करना सुन्नत है। बेहतर ये है कि अकीके के साथ कर ले। खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक, उसके जो नवासे हैं, नवासे थे हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, खतना। और
औलाद की तरबियत की तरफ आप खसूसी तवज्जो दें। जो बच्चा जो काम अपनी आंखों से देखता है उसके दिलो दिमाग पर यह अक्स हो जाता है। लिहाजा वालिदैन इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों के सामने ऐसा कोई हरकत न करें। आजकल ये बीमारी है, कुछ लोग नस्वार करते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं। बेशक आपकी एक मजबूरी है, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अपने औलाद के सामने नहीं, उस्ताज अपने शागिर्द के सामने नहीं, इससे आप परहेज करें। अब जब बच्चा बोलना शुरू करे तो आप ला इलाह इल्लल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह। बच्ची है, छोटी है, तो पहले ही से आप स्कार्फ और ये उसका आप बंदोबस्त करें, छोटा बुरका ले लें उसके लिए, पर्दे का एहतमाम, उसके कपड़े भी उसका भी ख्याल रखें। कभी कभी बच्चों को शाबाश भी दिया करें, ये भी बात है, शाबाश बहुत अच्छे बेटा, जबरदस्त काम किया आपने, और ये आपका इनाम हुआ। कभी तरगीब, कभी सख्ती, कभी नरमी, लेकिन सख्ती में लिहाज रखें, बहुत ख्याल रखें। ये चंद गुजारिशात। और बच्चा जब कमाई पर लग जाए, अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करे, तो वालिदैन से ये भी दरख्वास्त है, उस पर एक जिम्मेदारी उसकी शादी की भी है, उसकी शादी का एहतमाम उसके वालिद की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी पूरी करे और बेहतर से बेहतर बच्ची का आप उसके लिए तलाश करें। बेहतरीन शादी ब्याह का प्रोग्राम ये आपकी जिम्मेदारी है, इसका आप भी लिहाज रखें। बहर कैफ ये चंद ज़रूरी बातें हम लोगों ने, मैंने कुछ सुनाया, आपने सुनी, औलाद की तरबियत और परवरिश के हवाले से। क्योंकि हमारे पास 40 मिनट हुआ करते हैं, तकरीबन एग्जैक्ट 40 मिनट पर मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी, सामने घड़ी रखी है मैंने, तो दरख्वास्त ये है, बहुत कुछ है इस पर। अगर आप इसी पेज को ज़रा आगे ले जाएं, तो इसी पेज पर औलाद की तरबियत और वालिदैन का औलाद के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, कुछ इस तरह का मौजू है, इस पर एक पश्तों में एक मेरा बयान मौजूद है, आप उसको भी दे सकते हैं। जिस तरह मैंने कल खुशी के आदाब के हवाले से उर्दू में बात रखी है, इस तरह पश्तों में भी एक बयान मेरा मौजूद है इसी पेज पर खुशी के आदाब के हवाले से, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त है कि अल्लाह हम सब पर रहम और करम का मामला फरमाए, और ये नशिस्तें जो हम कर रहे हैं, आठवें दिन की नशिस्त थी, अल्लाह इसको अपने दरबार में कबूल फरमाए। आपसे दरख्वास्त एक बार फिर है, दरख्वास्त किया है कि इस वीडियो को आप इस्लाह और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात नोट कर लें अभी से, कल मंगल है, बुध के दिन आखिरी दिन है, और तौबा और इस्तग़फ़ार मौजू होगा परसों इंशाअल्लाह, आखिरी दिन, तो तौबा और इस्तग़फ़ार भी होगा, बयान मुख्तसर और तवील इंशाअल्लाह तफसीली दुआ होगी। लिहाजा उस दिन के लिए अभी से आप तैयारी करें, पूरी घर वालों को आप बिठाएं, बराए रास्त इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे, आप लोग आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। लजीज़ यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा। अल्लाह हम सब के साथ रहम और करम का मामला फरमाए। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार।